अरे मृणाल बन्ने, मैं आपसे विनती करता हूं मृणाल जी कि आप आपका मेमोरियल लेक्चर हमें दें। आदरणीय श्री देवतिया जी, भाई श्री अनिल जी, मंदा जी और सभागार में उपस्थित सभी मित्रों, मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे इस स्मृति व्याख्यान में आमंत्रित किया गया और मैं हृदय से आप सबका धन्यवाद करती हूं। जो विषय है, मैंने मंदा बहन से पूछा, मैंने कहा मैं लिख तो दूंगी अंग्रेज़ी में आपके लिए ताकि आपको उसके प्रकाशन वितरण में सुविधा हो, लेकिन मेरी मातृभाषा जो है उस पर मुझे सहजता रहेगी बोलने में। तो उन्होंने बहुत उदारतापूर्वक कहा कि आप हिंदी में बोलिए और आशा है कि आप लोगों को भी उससे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो भारत के 70वें वर्ष में मीडिया के सामने क्या चैलेंज हैं, अब ये मूल विषय है। अब कोई भी चीज़ हवा से स्वयंभू रूप से तो प्रकट होती नहीं है, और वो भी मीडिया जैसी सुरसाकार चीज़ जिसके हज़ारों हज़ार मुख हैं। तो जाहिर है जब हम मीडिया की बात करते हैं तो स्वतः उसमें समाज की बात आएगी, उसमें राजनीति की बात आएगी, उसमें अर्थ जगत की बात आएगी, उसमें माध्यम के तकनीकीकरण की बात आएगी और भी अनेकानेक किस्म की बातें उसके बीच में आएंगी। सो आशा है आप लोग धैर्यपूर्वक उन पर विचार करेंगे। सोचने से लगता है कि गुटनबर्ग से जुकरबर्ग तक हमने कितना भारी सफ़र तय कर लिया। एक ज़माना था जब मूवेबल टाइप था ही नहीं, कैसा वो आदमी रहा होगा। और वो एक फिलोसोफर भी था, वो एक लोहार भी था, वो एक लेखक भी था, और वो बाइबल का जनूनी प्रचारक भी था। और उसने कैसे ये ईजाद किया होगा। तो आज हम लोग जिन सब चीज़ों को स्वतः संपूर्ण मान के ऐसे ले लेते हैं जैसे हमारी अपनी थाती है, ये अगर सोचें कि आज जो फेसबुक का आविष्कार जुकरबर्ग ने किया है उससे बड़ा रेवोल्यूशनरी वो आविष्कार था। और इस दौरान दुनिया कहाँ से कहाँ निकल आई है और दुनिया गुंथ गई है। और गुंथने के साथ आपको ये रोचक जानकारी, आपको एक रोचक जानकारी दें कि हिंदी का पहला देवनागरी फॉन्ट रोम में बना था और वो जेसुइट पादरियों ने बनवाया था ताकि वो अपने जो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन और वो जो और भी गीत जो गाते थे वो चर्च में, उनका हिंदी अनुवाद करके वो पुस्तिकाएं भारतीय लोगों में वितरित कर सकें। तो मूवेबल फॉन्ट का प्रवेश हमारे देश में भी हो गया और उसके साथ ही फिर धीरे 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 हम लोग मुड़े उस राह पर जहाँ से 19वीं सदी में पत्रकारिता हमारे यहाँ व्यवस्थित रूप से शुरू हो गई। पहले अंग्रेज़ी पत्रकारिता आई, जाहिर है चूँकि बंगाल गजेटियर अंग्रेज़ी में छपा, अंग्रेज़ों ने छापा, उन्हीं ने तथ्यों का संकलन किया। लेकिन फिर जब 1846 तक ये हालत हो गई थी कि हिंदी की पट्टी में उनको लगने लगा था कि जनता के साथ बात जरूरी है और जनसंवाद के लिए हिंदी और उर्दू उत्तर भारत के लिए आवश्यक भाषाएँ मानी गई, और फिर धीरे 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 पहले अखबार निकले, फिर बंद हुए, फिर निकले, अखबारों का भाग्य ऐसा ही होता है बंद हो जाते फिर निकलते फिर बंद। मैं अखबार वालों से अधिक परसिस्टेंट और एंट वाला और जिद्दी शायद ही कोई जीव ईश्वर ने बनाया है। लेकिन ये है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारे, तो ये चीज़ है। अच्छा, अभी जो हालत है, आप पश्चिम में जब जाते होंगे, आप में से अधिकतर लोग जा ही चुके होंगे, आपने देखा होगा कि अब वहाँ पर अखबार जो अखबारी कागज़ में छपने वाला बड़ा लंबा चौड़ा बढ़िया अखबार है फोल्ड वाला जिसके साथ हम सब बड़े हुए हैं, वो लगभग गायब हो गया है।
आप कैफे में भी सुबह जाइए यूरोप में भी तो सब अपने अपने लैपटॉप पे कहती थी जैसे म्यूज़िक मास्टर हारमोनिया खोल के बैठ जाता है सुबह सुबह रियाज के लिए तो यूरोप में भी आप चले जाइए सबकी अपने 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 लैपटॉप हैं सब अपने अपने पसंदीदा खबरें पढ़ रहे हैं पहले से एक लिखा पढ़ा बंदा होता था अपने यहाँ जो पूरे मोहल्ले के लिए अखबार बाँचता था और अब ये हाल हो गया है कि हर व्यक्ति अपनी तरह का टेलर्ड अखबार अपने पर्दे पर देखना चाहता है और उसी को पसंद करता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी आँखों के सामने घट रही है इसलिए अभी हमको इसका महत्व समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी प्रिंट मीडिया है और अंग्रेज़ी मीडिया थोड़ा थोड़ा अब अपने पाठक खोने लगा है क्योंकि अंग्रेज़ी मीडिया के पाठक अब ऑनलाइन साइट्स में खबरें पाने की ओर मुड़ने लगे हैं लेकिन भारतीय भाषाओं में अभी भी प्रिंट का दबदबा है अभी मैं अपने यहाँ के स्थानीय भाइयों से बात कर रही थी उन्होंने बताया कि गुजराती अखबार अच्छी हालत में हैं और प्रसार और उनका रेवेन्यू दोनों बढ़ रहे हैं हिंदी के साथ भी यही है कि करीब पहले से 15-20% उछाल आता था हर साल अब वो करीब 7-8% लेकिन बढ़ रहे हैं लेकिन ये सारे विश्व की जो गति है अखबारी दुनिया की उसके विपरीत है कहीं भी प्रिंट मीडिया वैसे नहीं फल फूल रहा है जैसे हमारे यहाँ और उसका कारण ये नहीं है कि हमारे पाठक ज़्यादा लॉयल हैं या कि ज़्यादा प्यूरिस्ट हैं सीधी साधी वजह यही है कि नेट की एक्सेसिबिलिटी एक वर्ग विशेष और उसमें भी एक भाषा विशेष तक सीमित है अभी भी अंग्रेज़ी का उस पर प्रभुत्व है इसलिए गुजराती या तमिल या कन्नड़ या हिंदी या तेलुगु पढ़ने वाले पाठकों के लिए उतनी साइट्स नहीं बनी हैं उतने पोर्टल नहीं खुले हैं और अभी भी वो उनके लिए सूचना और ख़बरों का मूल माध्यम जो है वो प्रिंट मीडिया ही है लेकिन ये चीज़ें बदल रही हैं अब स्मार्टफोन के आने से पिछले 3-4 साल में ही चीज़ें बदली हैं गाँव-गाँव स्मार्टफोन पहुँच गए हैं अब वो स्मार्टफोन पर किस प्रकार की सूचनाएं ले रहे हैं और दे रहे हैं वो बात दीगर है लेकिन वो उस तरह की सूचनाएं नहीं हैं जो अखबार देते थे अब लोग अपने पसंदीदा चीज़ें देते हैं तो जैसे मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे ने लैपटॉप्स बांटे तो लैपटॉप्स पर मैंने पूछा कई लोगों से उत्तर के गाँव में कि तुम लोग क्या देखते हो उन्होंने कहा कि भाई गाँव का हमारा जो बनिया है जो अगले बड़े गाँव का वो 20 रुपये में मूवी डाउनलोड करा देता है तो गांव के लड़के चंदा करके जाते हैं 100 रुपये में 5 मूवी डाउनलोड करा के ले आते हैं फिर पूरा गांव उसको देखता है और इसी तरह से उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन चार्ज कराना होता है तो 5 रुपये में वो जो पंप की बैटरी है उससे चार्ज हो जाता है तो जुगाड़ पर काम चल रहा है लेकिन मूलतः जो उसको शिक्षा संप्रेषण और ज्ञान का स्रोत बनना था वो नहीं बना है तो इसलिए देश में ज्ञान बढ़ाने के लिए या शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए लैपटॉप या स्मार्टफोन वितरित करना पर्याप्त नहीं है उसके लिए बहुत सारा एक सूचना का पूरा एक संसार भी बनाना पड़ता है जिसकी मार्फत सही सूचनाएं सही तरह से लोगों तक पहुंच सकें ये दूसरी बात है अभी 7 अक्टूबर को दुनिया का सबसे बड़े पब्लिशिंग हाउस न्यूज़ कॉर्प ने अपने यूरोपियन और एशियन एडिशन वॉल स्ट्रीट जर्नल के छापने बंद कर दिए और उन्होंने 2 कारण गिनाए एडिटोरियल रीस्ट्रक्चरिंग यानी संपादकीय स्तर पर फेरबदल और डिक्लाइनिंग रेवेन्यूज एड से होने वाली आमदनी में कमी तो ये गौर से देख लीजिए ये अगले 5 सालों में भारत की पहले अंग्रेज़ी अखबारों की नियति होगी और फिर भाषाई अखबारों की भी नियति होगी ये मीडिया के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण इशारा है अब मीडिया के सामने नया चैलेंज है कि वो एक साथ 2 नावों की सवारी करे यानी वो प्रिंट में भी मौजूद रहे उस प्रिंट एडिशन का एक ऑनलाइन वर्जन हो और अगर संभव हो तो एक टीवी चैनल भी मालिक खरीद लें ताकि 3 मीडिया में उनकी खबरें दिखती रहें उनका नाम बना रहे और उनके कंबाइंड जितने भी कंज्यूमर हैं उसके बूते पर उनको अधिकाधिक रेवेन्यू मिल सके ये अब ये नया एक नक्शा बन रहा है लेकिन जैसे भ्रूणावस्था में कोई चीज़ होती है तो चेहरा मोहरा स्पष्ट नहीं होता है
अभी सब अवयव विकसित हो रहे होते हैं, तो आगे क्या विकास होगा ये देखना रोचक होगा, लेकिन बदलाव बहुत बड़ा आने वाला है अधिक से अधिक 10 सालों के भीतर। पहला चैलेंज जो मीडिया के सामने इस वक्त पड़ा ये है कि एक जमाना था जब सूचनाओं का संकलन, उनका संप्रेषण और उनको एडिटिंग करना, उनका संपादन की विश्लेषण करना, टिप्पणी लिखना, ये सारे कामों में मनुष्य शुमार होते थे और मानवीय गणनाएं होती थी। ये हमने तब देखा था, ये तब हुआ था, उसके आधार पर, अनुभव के आधार पर हम लोग सब, जब कोई बड़ा मसला होता था तो देश के जो पुराने पत्रकार हमारे संपर्क में होते थे उनसे हम जानने को भागे जाते थे कि उस साल जब ये हुआ था तब क्या हुआ था, अब तब आपने क्या देखा। लेकिन अब ये है कि इंटरनेट में अब एल्गोरिदम चला रही है, इंटरनेट को एल्गोरिदम चला रही है, और इंटरनेट को वो चला रहा है जो एल्गोरिदम को चला रहा है। एल्गोरिदम्स जो हैं वो उसके लिए थोड़े से फेरबदल से आप न्यूज़ को फिल्टर कर सकते हैं, आप न्यूज़ के लिए शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं, आप न्यूज़ के बीच में फेक न्यूज़ को ला सकते हैं इस तरह से कि पता ही न चले कि ये फेक न्यूज़ है, तस्वीरें मॉर्फ कर सकते हैं, आप नकली स्टिंग ऑपरेशन कर सकते हैं जिसके कारण सही स्टिंग ऑपरेशन की भी विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है। तो टिम बर्नर्स ली जिन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब की ईजाद की थी, उन्होंने अभी हाल में ये कन्फेस किया है कि उनको इस चीज़ की बहुत भारी चिंता हो रही है। उनका कहना है, आई एम स्टिल एन ऑप्टिमिस्ट बट एन ऑप्टिमिस्ट स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ द हिल विद अ नास्टी स्टॉर्म ब्लोइंग ऑन माय फेस हैंगिंग ऑन टू अ फेंस। और उनका ये कहना है कि जितने भी प्रिंट मीडिया के बंडल हो रहे हैं आज, वो नेट की न्यूट्रैलिटी को चैलेंज कर रहे हैं। नेट के लिए हम कहते हैं भाई तकनीक है, तकनीकी तो न्यूट्रल होती है, नहीं है वो न्यूट्रल। जिस तरह से उसका उपयोग हो रहा है न्यूज़ को डॉक्टर करने में, प्रेजेंट करने में, न्यूज़ के बगल में फेक न्यूज़ लाने में, उसको देख के जिसने खुद ये वेब बनाया वो वैसे ही चिंतित है जैसे कभी आइंस्टाइन एटम की ईजाद से चिंतित थे। अभी हमने ये समझा नहीं है इसको पूरी तरह, लेकिन सोचना तो होगा ही, सोचना शुरू करना होगा, क्योंकि जिसने ये ईजाद किया है वो खुद कह रहा है कि ये चिंताजनक चीज़ें हैं जो मैंने उस वक्त नहीं भांपी थी, और एक लग रहा है कि एक आंधी मेरे चेहरे पर आ रही है और मैं खुद एक सिर्फ एक फेंस पकड़ के लटका हुआ हूँ। जिसने वेब बनाया अगर वो फेंस पकड़ के लटका हुआ है तो आप हमारे जैसे लोगों की सोच लीजिए, हम लोग तो हवा में उड़ के कहाँ से कहाँ भटक रहे हैं। तो जो नए प्रिंट मीडिया के जो कंज्यूमर्स हैं उनके आज अगर आप करें एनालाइज करें तो उनके तीन गुण आपको दिखाई देंगे। एक गुण है मोबिलिटी, कि वो बहुत मोबाइल हैं, चलते फिरते वो न्यूज़ पाना चाहते हैं। एक ज़माना था जब सुबह बैठ करके सुबह का अखबार पढ़ते थे, नहीं होता था तो मोड़ करके ले जाते थे और मेट्रो में या अपनी स्थानीय लोकल ट्रेन में खड़े खड़े खंभा पकड़ के एक हाथ से एडिटोरियल पढ़ते थे। अब वो ज़माना चला गया है, आज अपने मोबाइल के उस पर आप चलते फिरते जिस भी दिन के जिस भी क्षण चाहें 24x7 आप न्यूज़ पा रहे हैं और न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है पोर्टेबिलिटी, कि न्यूज़ को अब आप अपने साथ ले जा सकते हैं, जहाँ भी आप होंगे आपको न्यूज़ मिल जाएगी। पहले से मोहल्ले में लोग फ़ोन करके पूछते थे कि यार ज़रा टीवी देख के बताना क्रिकेट का स्कोर क्या हुआ है, कोई नहीं पूछता, वो दिन लद गए हैं। अब तो स्कूल के बच्चे भी क्रिकेट मैच अपने मोबाइल पर देखते रहते हैं। और तीसरी चीज़ है पर्सनलाइजेशन ऑफ न्यूज़, अब लोग चाहते हैं कि न्यूज़ जो उनके पर्दे पर आ रही है या जो उनको मिल रही है वो पर्सनलाइज, जो विषय उनको पसंद है। आप लोगों के सबके स्मार्टफोन पर गूगल रोज सुबह आपके प्रोफाइल से निकाल के कि किन किन विषयों को आप ज़्यादा एक्सेस करते रहे हैं उस हिसाब से उस दिन की 8 या 9 मुख्य स्टोरीज आपको दे रहा है। ये लगता तो अच्छा है लेकिन ये एक लत है और ये ख़तरनाक लत है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जिसमें आपकी रुचि या जानकारी ही नहीं है उसमें आप कैसे रुचि व्यक्त करेंगे। और एल्गोरिदम तो पढ़ रही है कि आप
मौजूदा समय में क्या देख रहे हैं या क्या पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने बहुत कुछ ऐसा सीखा जिसके बारे में हमको पता भी नहीं था कि वो है, लेकिन हमने सीखा क्योंकि मनुष्यों ने हम तक उसकी जानकारी पहुंचाई, हमारी उत्सुकता को जागृत किया और हमको धक्का दिया एक तरह से कि जाओ इस बाबत भी जानकारी एकत्रित करो। तो ये जो आखिरी चीज़ है पर्सनलाइजेशन ऑफ न्यूज़, ये भी सोचने वाली चीज़ है कि हर व्यक्ति के टेस्ट के हिसाब से। मुझे याद है हम लोग जब छोटे थे तो देखिए समाज कैसे बदलता, मेरी नानी के घर में करीब हर उम्र के करीब किसी भी समय में करीब 16 बच्चे होते थे और उनको स्कूलिया कहा जाता था। सुबह सुबह सबसे पहली खेप खाने की हम लोगों के लिए लगती थी और वो बैठ के हम लोग पटले पर खाना खाते थे, स्कूलियों की खेप, और जो भी बना होता था, और ये घर के ही नहीं रिश्तेदारों के भी बच्चे होते थे जो शहर पढ़ने के लिए आते थे, सबके लिए खट 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 वही दाल वही भात वही सब्जी, एक पतली सब्जी और दही, और फिर ऊपर से भात और फुलके फेंके जाते थे क्योंकि वो छुआ नहीं जाता था जो खाना पकाता था उसको। तो पर्सनलाइज्ड मील नाम की तो चीज़ ही नहीं थी, सबके लिए एक जैसे पराठे और आलू की सब्जी रोज पैक होती थी। तो हम लोग हमेशा कहते थे कि हम लोगों को पहाड़ी बच्चों के स्कूल बच्चों को काटो तो हमारे खून की जगह हमारे शरीर से आलू का रस निकलेगा क्योंकि हम इतने आलू खिलाए जाते हैं। लेकिन पर्सनलाइजेशन नहीं, किसी के लिए नहीं होता था। उसमें भी एक लोकतांत्रिकता थी कि घर में जितना है जो है सबके लिए है या किसी के लिए नहीं है। न्यूज़ के साथ भी यही है कि न्यूज़ अगर बहुत पर्सनलाइज होगी तो फिर भेदभाव होने लगेगा। तो जो टिम ली बर्नर कह रहे हैं कि पर्सनलाइजेशन ऑफ न्यूज़ से वो चिंतित हैं, ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वो न्यूज़ वितरक की न्यूट्रैलिटी को प्रभावित कर रहा है। अभी जो हिंदुस्तान में या किसी भी अखबार में छप रहा है, छपरा का पाठक भी वही पढ़ रहा है, लखनऊ का पाठक भी वही पढ़ रहा है, भागलपुर का भी वही पढ़ रहा है, हरियाणा का भी वही पढ़ रहा है। लेकिन अगर ये टेलर्ड न्यूज़, और वो भी एक छोटे से पर्दे पर मोबाइल होते हुए आपको मिल गई, और फिर आपको लगेगा कि वाई बॉदर, जब मिल रही है पकी पकाई तो फिर हम क्यों करें, हमारे लिए टेलर्ड है। हर माँ रोज़ सुबह टीवी पर प्रोग्राम देख के या अपने लैपटॉप पर प्रोग्राम देख के बच्चों के लिए आर्टिस्टिक मील्स बना रही है, न्यूट्रिशियस मील्स बना रही है। हमारी माओं ने और नानियों ने जिन्होंने दर्जनों बच्चे पाले और निकाले, उन लोगों ने कभी इस चीज़ को प्रोत्साहित नहीं किया। इसलिए नहीं कि उनके पास समय नहीं था या बुद्धि नहीं थी या पाक कला, हम लोगों से अधिक अच्छी पाक कला थी, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं पर सबके अवचेतन में ये बात बिठा दी गई थी कि जो भी है सबके लिए है और सबके लिए समान वितरण के लिए है, किसी के भी लालच के लिए या अपने बच्चे को। पहले के लोग प्यार भी नहीं करते थे सबके सामने अपने बच्चे को, तो उसके पीछे एक लोकतांत्रिक भाव होता था कि कहीं किसी के बच्चे को कम न मिल जाए। लेकिन ये जो टेलरिंग हो रही है, इसके साथ ही समाज की टेलरिंग हो रही है। एक बहुत बड़ी चीज़ हुई हमारे देखते देखते कि परिवार भी सिकुड़ गए हैं, न्यूज़ सिकुड़ी है, न्यूज़ का पर्दा सिकुड़ा है, परिवार भी सिकुड़ गए हैं, और जो नहीं सिकुड़े हैं उनके बच्चे अब छोटे शहरों से निकल के बड़े शहरों में आ गए हैं, जहाँ वो छोटे छोटे दड़बे जैसे फ्लैट में या घरों में रहते हैं जहाँ पर बड़ा परिवार पल ही नहीं सकता है। तो ये जो समाज और मीडिया एक दूसरे को बना रहे हैं, दे आर फीडिंग इनटू ईच अदर। और तीसरा कोई रेफरेंस बिंदु अगर है तो वो है लोकतंत्र, एक जागृत लोकतंत्र जहाँ पर सार्वजनिक भागीदारी हो। उसमें हम देख रहे हैं कि जो सार्वजनिक भागीदारी के मंच थे वो भी घट रहे हैं, खेल के मैदान शहरों से गायब हो गए हैं, जो हैं शाम को वहाँ पर खेलते हुए बच्चे आपको नहीं देखेंगे क्योंकि वो ट्यूशन में चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें, मतलब बूढ़ों के पास समय ही समय होता है, तो ये सारी चीज़ें मुझे चिंतित करती हैं कि जो खेलने खाने की उम्र कहते थे वो खेलने खाने की उम्र में, और खेल खेल में मनुष्य लोकतांत्रिक बनता है क्योंकि हर खेल का अपना एक नियम और लोकतंत्र होता है। अगर आप खेल के नियम तोड़ देंगे, शतरंज फेंक देंगे, तो फिर क्या होगा? तो बिना खेल के यांत्रिक रूप से हम लोग चीज़ें करने की ओर मुड़ेंगे। 1920 के आसपास पहला विश्व युद्ध ख़त्म हो गया था, उस वक्त जारोस्लाव हासिक नाम के एक चेकोस्लोवाक लेखक ने एक प्ले लिखा था रूर,
आर यू आर, उस प्ले में पहली बार रोबोट शब्द का इस्तेमाल हुआ था, अब तो जिसको हम तो रोबोटिक्स आ ही गया है। तो वो जो प्ले था एक ब्लैक कॉमेडी था जिसमें कि कुछ रोबोट्स मनुष्य लोग रोबोट्स बनाते हैं और रोबोट्स फिर मनुष्यों को चैलेंज करके उनको जीत करके एक परफेक्ट टोटेलिटेरियन रिजीम स्थापित कर देते हैं। और लेखक के अनुसार इसकी दो कारण थे कि एक तो रोबोट उस हद तक निर्मम थे जिस हद तक मनुष्य नहीं हो सकता है, और दूसरा वो उस हद तक डिसिप्लिन्ड थे जिस हद तक मनुष्य नहीं हो सकता है। तो कई बार जो आज मीडिया में जो प्रवृत्तियां दिख रही हैं, रुझानें दिख रही हैं, हो सकता है ये फ़र्क तरह से भी बदलें क्योंकि मानव जाति के वेरिएबल्स अथाह हैं, लेकिन ये प्रवृत्तियां जो हैं ये टैब करने के योग्य हैं। तो अब इससे जो नया बिजनेस मॉडल बन रहा है न्यूज़ का, वो पश्चिम से प्रभावित ही हमारे यहाँ हर मॉडल अखबार भी हमारे यहाँ पश्चिम की ओर से आए, तो जो नया बिजनेस मॉडल बन रहा है वो ये बन रहा है कि पहले तो मनुष्य को एकल खोरा बनाओ, उसको कहो कि मैन इज़ द मेजर ऑफ ऑल थिंग्स, और मनुष्य अपने अंतर्मुखी और अपने काम और उसके दबाव में शेष समाज से अपने को असंपृक्त मानने लगे। उसके बाद उसकी रुझान पढ़ो एल्गोरिदम के मार्फत, और फिर ये तय करो कि कुल जितनी रुझानें हैं इस इलाके की उनमें न्यूनतम समापवर्ती या उसका कहा जाए लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर क्या है, उसकी एक लेन बनाओ और फिर धीरे 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 इन एकल खोरों को उस लेन में डालो। फिर वो आपस में संवाद भी करते रहें तो वो मैकेनिकली होगा, क्योंकि बृहत्तर संदर्भ जो मनुष्य को चाहिए विकास के लिए वो धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं, भाषा से लुप्त हो रहे हैं, परिवार से लुप्त हो रहे हैं, राजनीति से लुप्त हो रहे हैं, अर्थनीति से लुप्त हो रहे हैं। आपने सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपने पढ़ा ही होगा कि दुनिया की सारी दौलत इस वक्त बमुश्किल 3-4% लोगों के हाथ में है। हमारे देश में भी 10 ऐसे बड़े घराने हैं जिनके हाथ में देश की लगभग सारी दौलत है और जो देश के GDP से भी शायद अधिक निकलेगी। तो हम लोग इसको सूचना समझ के आत्मसात करते हैं या नहीं करते हैं, जो भी हो, मैंने जिस तरह का मूर्ख हर्ष हम लोग इन चीज़ों पर व्यक्त कर रहे हैं, मुझे लगता है हमको उससे अपने को करके थोड़ा सा कष्ट भोगना चाहिए। वैचारिक रूप से जिसे मुक्तिबोध कवि कहते थे ज्ञान का घनघोर अकेलापन, वो भी चाहिए। सिर्फ अकेलापन नहीं, ज्ञान का घनघोर अकेलापन चाहिए जिसमें आप फिर से पुनर्विचार कर सकें कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं ये हमको कहाँ ले जा रही हैं, क्यों ले जा रही हैं, क्या हम इन पर किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण समय रहते अपने हित में, न सही समाज के, अपने ही हित में, अपने ज्ञान को बचाने के लिए कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दूसरा मेजर चैलेंज हमारे सामने है कि इंटरनेट की एक डार्क साइड है, डार्क नेट। आपने तमाम तरह के डिटेक्टिव फिक्शंस इधर पढ़े होंगे, फ्रॉम द गर्ल हु डिस्टर्ब द हॉर्नेट्स नेस्ट से लेके कितने सारे बेस्ट सेलर्स, उसमें इसका जिक्र है कि किस तरह से एक अंडरवर्ल्ड नेट ने विकसित की है जो काम कर रही है। अभी USA में द रिसर्चर्स ने करीब 2,800 ऐसी साइट्स डिस्कवर की हैं जो बाकायदा टेलर्ड फेक न्यूज़ बना रही हैं ऑन ऑर्डर फॉर एज लिटिल एज $10। आप $10 में अपने पड़ोसी की खटिया खड़ी कर सकते हैं, फेक न्यूज़ डाल दें उसके फेसबुक पेज में कहीं से या किसी तरह से हैक करके, दसियों तरीके इन्होंने निकाल दिए हैं। तो पहले एक ज़माना था जब मिस्चिवस टीनेजर्स होते थे, जो एक मेरा नेफ्यू था, उसने एक बार किसी कंपनी का अकाउंट हैक करके 100 पी कैप्स अपने दोस्तों के लिए स्कूल के लिए ऑर्डर कर दी थी और फिर उसके बाद वो घर से फरार हो गया था। तो ये तो नटखट बना था और वो समझ में आता था, लेकिन आज ये बड़े पैमाने पर बहुत ख़तरनाक तरीके से हो रहा है क्योंकि अब टेक्निकली सैवी हैंडलर्स हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लेजिटिमेट ऑर्गेनाइजेशंस की क्लोनिंग कर रहे हैं।
साइट्स की क्लोनिंग हो रही है, फेक फेक बुक्स, फेसबुक पेजेस आपने देखा होगा कितने सेलिब्रिटीज़ को, जैसे पहले से माँ बाप छपवाते थे कि हमारी लड़की ने जाति से बाहर शादी कर ली है, अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं है, वैसे ही सेलिब्रिटीज़ भी छपवाते हैं कि हमने अपना ये अकाउंट क्लोज कर दिया, ये हमारा फेक ट्विटर अकाउंट है, ये मेरा लेजिटिमेट अकाउंट नहीं है। तो ये एक नई चीज़ है और ये इतनी चिंताजनक नहीं होती, लेकिन जिस स्पीड से ये सारे झूठ वायरल हो जाते हैं, मैंने भूसे में आग की चिंगारी क्या घूमती होगी जो फेक न्यूज़ घूमती है। तो ये मैंने मुझको ये जो चीज़, ये प्रवृत्ति जो है ये सोशल मीडिया में उपजी है, लेकिन मुख्य मीडिया में भी घुस रही है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन पॉल्यूशन हो रहा है, हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशनल पॉल्यूशन भी उतना ही गंभीर है, क्योंकि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से जो जल के, जंगल के जो लेजिटिमेट आकार थे वो सिमट रहे हैं और जीवनदायी हवा और जीवनदायी जल कम हो रहे हैं। इसी तरह से फेक न्यूज़ की बढ़ती एक्सेप्टेंस से और इंटरनेट की बढ़ती अबूझ एक्सेप्टेंस से ये हो रहा है कि जो विश्वसनीय व्यवस्थित तर्कसंगत खबर है, जो आपसे डिमांड करती है कि आप जवाब दीजिए, आप नागरिक हैं क्यों चुप हैं, आप सरकार के नुमाइंदे हैं, आप किस तरह से ये वक्तव्य टीवी पर दे चुके हैं, कानून आप पर क्यों नहीं लागू हो रहा है, कहाँ हैं आरटीआई वाले, कहाँ हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाले, क्यों नहीं इनके अगेंस्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया जाता है, ये सवाल पूछने वाला जो मीडिया था उसकी हालत खस्ता है नाना कारणों से। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ हो रही हैं और इसमें तीसरी छौंक लगाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आ गई हैं, क्योंकि इधर मैंने पिछले 5 साल में देखा है कि मीडिया को इस तरह से शिकार बनाया जा रहा है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा अपराधी, संगठित अपराधी गिरोह जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मीडिया ये लिख देता है, मीडिया वाले ये कह देते हैं, मीडिया ऐसा कर देता है। अरे मीडिया कोई हवा से चीज़ें नहीं खोज रहा है, मीडिया आपके विवेक और चेतना को झकझोर रहा है, आपको वो खबरें दे रहा है जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आप मैसेंजर को गोली मार रहे हैं, वो ख़राब खबर लाया है तो आप उसको गोली मार दे रहे हैं कि तुम ख़राब खबर लाए हो, उसके खिलाफ़ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो जा रहे हैं। अरे पहले सत्यापित तो कीजिए, आप ये वो कह रहा है हमारे पास प्रमाण है, हम आपको प्रमाण दे रहे हैं, तो आप पहले उन प्रमाणों की जांच कीजिए और अगर गलत है तो ठीक है, उनका दमदार विरोध कीजिए, लेकिन ये करना कि वो स्टोरी ही हटवा दी जाए या वो साइट या वो अखबार ही एक बारगी से तरह तरह के दबाव और रेड्स का शिकार बन जाए, ये कहीं ना कहीं पर एक ख़राब प्रवृत्ति बना रहा है जिससे अंततः उन लोगों को नुकसान होगा जो मीडिया को टारगेट कर रहे हैं। बड़े सरकार के मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया के महिलाओं के लिए कहा प्रेस्टिट्यूट, से कोई शब्द है इस सभ्य समाज का शब्द है? आप कह रहे हैं दूसरी तरफ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, पढ़ लिख करके जब हम पत्रकारिता करते हैं तो हमको आप कहेंगे प्रेस्टिट्यूट्स? 2 थप्पड़ खींच के मारूं मैं उसको, हद हो गई। तो इसलिए जो गिल्टी हैं उनको पनिश नहीं किया जा रहा है और मीडिया को बार बार मारा जा रहा है। तो वो वही जो एक कविता आप सब ने पिछले 5 साल में बार बार सुनी होगी कि पहले वो यहूदियों को लेने के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं यहूदी नहीं था, फिर वो फलां को लेने के लिए आए, मैं खामोश रहा क्योंकि मैं उससे जुड़ा नहीं था, फिर उसको दिमाके को लेने के लिए आए, मैं उससे नहीं बोला क्योंकि उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था, आखिर में वो मुझे लेने के लिए आए तब मेरे पक्ष में बोलने वाला कोई बचा ही नहीं था। तो मीडिया बैशिंग के खतरे भी और उसका जन विरोध होना चाहिए। ठीक है मीडिया का एक हिस्सा है बहुत ख़राब है, बहुत पापी है, बहुत देश के कानून है उसके तहत आप उनको सज़ा दीजिए, आप पड़ताल कराइए और अगर गलत निकलते हैं, उनकी खबरें गलत निकलती हैं, उनको ज़रूर कठोर से कठोर दंड दीजिए, लेकिन सारे मीडिया को तारकोल पोता जा रहा है सरेआम। मंत्री जी खड़े होकर के मीडिया से कह रहे हैं कि तुम सब बिके हुए हो, तुम सब प्रेस्टिट, तो फिर क्यों हमारे पास आते हो, फिर हमारी खबरों पर आग बबूला क्यों होते हो, अगर हम इतने गिरे हुए हैं तो क्यों हमारे हमारी बातों को सच मानते हो, आप तो मान के बैठे हैं पैदाइशी झूठे हैं, हम लबार हैं, तो फिर हमारी बातों पर क्यों आपको गुस्सा आता है?
गुस्सा आ रहा है इसका मतलब आपकी दाढ़ी में तिनके हैं, तिनका ही नहीं कुतुब मीनार है। तो इसलिए जो एक क्राइसिस ऑफ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी है, ये सिर्फ सरकार और पत्रकार के बीच में नहीं है, ये समाज और पत्रकार के बीच में भी हो रहा है। लोग कहते हैं अरे ये मीडिया में काम करते हैं, अरे भाई तुम मीडिया वालों से तो बड़ा डर लगता है, भेद हमार लेन शठावा, पता नहीं क्या हमारे बीच से निकाल के ले जाएंगे। अरे हुजूर, हम आपको आपकी ही खबर दे रहे हैं, अगर आपको हम सोचने पर बाध्य कर रहे हैं तो थोड़ा कष्ट आप भी कीजिए, थोड़ा जहन पर जोर डालिए और सोचिए। विवेक तो ईश्वर ने आपको भी दिया है, पढ़े लिखे आप भी हैं। हर वक्त बैठ करके हर चीज़ में कुछ भी गलत होता है तो या तो वो मीडिया करता है या जवाहरलाल नेहरू करते हैं, कोई बात हुई। अब प्रेस काउंसिल ने हल्ला मचा तो पेड मीडिया पर जांच कराई, बहुत बढ़िया रिपोर्ट, 17,000 शब्दों की रिपोर्ट बनाई, बहुत बढ़िया रिपोर्ट थी। हम लोगों ने जिन्होंने उसके ड्राफ्ट पढ़ा और किया, बहुत सराहनीय काम किया था उन्होंने। लेकिन चूँकि प्रेस काउंसिल के सारे सदस्य जो हैं वो किसी न किसी बड़े पत्रकारिता संस्थान और संगठन से जुड़े हुए हैं, वो उसको 1700 शब्दों तक सीमित कर दिया गया, सारे नाम हटा दिए गए, आक्षेप हटा दिए गए। बहुत हल्ला मचा तो साल भर बाद उसको ऑनलाइन डाल दिया गया और कोई उस पर चर्चा नहीं हुई। तो सरकार ने क्यों दबाव नहीं बनाया? अगर सरकार को मीडिया इतना ही संदिग्ध लगता है तो यहाँ तो सारे प्रमाण थे, और वो मीडिया हाउसेस छुट्टे अभी भी काम कर रहे हैं। जिसने रिपोर्ट बनाई वो बिना नौकरी के घूम रहा है। तो ये समय आ गया है जबकि हमको बहुत तरह के वैचारिकताओं, वैचारिक आग्रहों, राजनीति से मुक्त होकर के सोचना होगा कि आखिर ये जो नया कंज्यूमर आ रहा है, ये नया वोटर भी है, और 40 से कम उम्र की ये जो पूरी की पूरी फौज है, जो टेक्निकली हम लोगों की पीढ़ी से अधिक जानकार और उसकी ओर मुड़ी हुई है, ये लोग जो हैं ये क्या कर रहे हैं? इनकी ज़िंदगियां मोबाइल हैं, ये छोटे शहरों से निकल के सब बड़े शहर में, बड़े शहर से फिर विदेश जाने के इच्छुक हैं, एम्बिशियस हैं, अपवर्डली मोबाइल हैं, और मल्टीटास्किंग करने के लिए पूरी तरह इच्छुक हैं कि उनको अधिक से अधिक पैसा कम से कम समय में मिल सके, और ख़बरों के लिए उनके पास उतना ही टाइम है जितना फेसबुक सर्फिंग और मित्रों को टेक्स्ट करने के बीच में खोज पाते हैं। तो इसलिए जो बड़े बड़े लंबे एडिटोरियल्स होते थे, ठीक है, मान लिया, और वो स्वीकार मीडिया को कर लेना चाहिए कि अब 1000 शब्दों के एडिटोरियल्स या 600 शब्दों की संपादकीय टिप्पणियों का ज़माना लद गया है, और ये भी स्वीकार करते हैं कि चलो उनको मिक्स्ड पैकेज चाहिए। पहले का बच्चा पराठा आलू की सब्ज़ी खा लेता था, आज के बच्चे को थोड़ा सा और उसमें विविधता चाहिए। तो न्यूज़ के साथ में इमेजेस फ्रॉम बॉलीवुड, पॉप म्यूज़िक, वायरल MMS क्लिप्स और ट्वीट्स ऑफ द डे, ये सब थोड़ा थोड़ा सब मसाला डाल रहे हैं, और इसमें अपने आप में कुछ नहीं है। बीच बीच में कब किसी को जब ज़रा लगता है कि नहीं, लोगों को सांस्कृतिक विकास होना चाहिए, तो बुलेट पॉइंट में 2-3 बंदे खोज लिए जाते हैं जो कि लोगों को बता देते हैं व्हाट इज श्रद्धा, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, व्हेन वाज 31st कमिटेड इत्यादि। लेकिन वो कोई सांस्कृतिक जानकारी नहीं है, क्योंकि सांस्कृतिक जानकारी के लिए संदर्भ चाहिए, संदर्भ के लिए जगह चाहिए, जगह के लिए पढ़ने वाला या बूझने वाला, देखने वाला मन चाहिए, उस मन में स्थिरता चाहिए। तो इसलिए इस पीढ़ी को लेकर के कुछ कष्टकर सवाल उनसे भी और मीडिया से भी और प्रतिष्ठान से भी पूछे जाने चाहिए। फिर हम आते हैं हमारे जो लॉयल पाठक हैं, जो पुरानी पीढ़ी के 40 से ऊपर की उम्र के पाठक हैं, और वो सही सवाल पूछ रहे हैं कि लोगों के इश्यूज़ हैं, फार्म प्राइसिंग है, सुसाइड्स हैं, कैटल फार्मिंग है, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्राइम्स में खासकर औरतों के खिलाफ क्राइम्स में, बच्चों के खिलाफ क्राइम्स में अभूतपूर्व वृद्धि है, इन पर बात क्यों नहीं हो रही है? बात हो रही है पद्मावती पर, उस पर सारे के सारी पार्टियां अपने वक्तव्य दे रही हैं, लेकिन क्यों नहीं बात हो रही है इन विषयों पर? ये जो बड़ी पीढ़ी है वो पूछ रही है, लेकिन बड़ी पीढ़ी को थोड़ा सा अपनी पैसिविटी कम करनी होगी। दे हैव टू फाइट बैक द फेक न्यूज़, दे हैव टू फाइट बैक फॉर प्लेटफॉर्म्स एंड मेक इट अवेलेबल। लोग कहते हैं हम टेक सेवी नहीं है, हमारे तो बच्चे आके फ़ोन में हमको बताते हैं,
बनिए टैक्स हैवी। इस उम्र में आके बुढ़ापे में मैंने हिंदी में अंग्रेज़ी में दोनों में टाइप करना इसीलिए सीखा ताकि समझूं तो सही कि यू हैव टू नो योर एनिमी, कि आपका जो असली जो स्पर्धा है वो किससे है, किन ताकतों से है, वो ताकतें आपको कहाँ ले जा रही हैं, क्यों ले जा रही हैं। इतना जो पढ़ पढ़ के हम लोग जानकारी लेते हैं, बाहर के अखबारों को साइट पढ़िए, उसमें जो मीडिया पर या और चीज़ों पर रोचक चीज़ों पर जो जानकारियाँ आ रही हैं उसको पढ़ के उसको अपने भारतीय संदर्भ से, अपने भारतीय समाज से और समाज में जो प्रवृत्तियाँ हमारे चारों ओर दिख रही हैं और बदल रही हैं उनसे जोड़ करके हमको पढ़ना सीखना होगा। यहाँ पर एक अच्छी सच्चाई ये सामने आती है कि जैसे अभी मुकेश अंबानी ने कहा कि जैसे पहले कभी कीमत आंकी जाती थी इस देश के पास कितना ऑयल है, अब कीमत आंकी जाएगी कि किसके पास कितना डेटा है। डेटा इज़ द किंग नॉट ऑयल। मेरा ये कहना है कि नॉट डेटा बट पीपल हु कैन रेट एंड एनालाइज द डेटा विल बी द फाइनल किंग्स। और इसके लिए अनुभव समृद्ध मन और समाज की और संस्कृति की राजनीति की अच्छी जानकारी चाहिए। देयरफॉर इफ द क्रिएटर्स ऑफ जेन्युइन कंटेंट हैव टू फाइट बैक द फेकर्स और फॉर एवर होल्ड देयर पीस, जैसे वो चर्च वेडिंग में कहते हैं ना कि यू एवर हैज़ टू स्पीक स्पीक अप नाउ और फॉर एवर होल्ड योर पीस, वही चीज़ है कि अगर आप परेशान हैं इन प्रवृत्तियों से तो बड़ी जो बुज़ुर्ग पीढ़ी है 40 से ऊपर की पीढ़ी है जिसके पास अनुभव समृद्ध है, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा संस्कृत में शब्द है विदग्ध, विदग्ध का असली मूल अर्थ है अनुभव की आँच से जला हुआ, दग्ध जला हुआ। तो ये 40 के ऊपर की विदग्ध पीढ़ी जो है इसको थोड़ी अपनी पैसिविटी कम करके उसको इस चीज़ के बाबत सामने आना होगा और सोचना होगा इस पर। इंटरेस्टिंगली हमारी जितनी भी कोर कॉम्पिटेंसीज हैं मीडिया की वो अभी भी प्रिंट मीडिया में लॉज्ड हैं। जितने भी पुराने हैं जो अनुभवी लोग जो परख रखते हैं न्यूज़ की कब स्टोरी ब्रेक कर रही है, इसका निहितार्थ क्या है, इस पार्टी ने तब क्या किया था, अमुक नेता ने आज ये कहा है, कल क्या कहा था, इसका विगत कैसा रहा है, इसने इसी मुद्दे पर फलासन में क्या राय सामने रखी थी, ये जानकारी जो है ये जानकारी रखने वाले लोग अभी भी प्रिंट मीडिया में हैं। बिलीव यू मी जितने न्यूज़ चैनल्स हैं सबसे पहले उनका न्यूज़ रूम सुबह बैठ के उस दिन की अखबार पढ़ता है, उनकी सारी न्यूज़ की जो टिप ऑफ्स हैं वो उनको अभी भी प्रिंट मीडिया से ही मिल रहे हैं और प्रिंट मीडिया के जो ब्यूरोज़ हैं उसमें अभी भी पुराने घाघ किस्म के लोग हैं, इन्फॉर्मेशन है। और अभी हार्वर्ड, MIT और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी, उनका ये कहा है कि सोशल मीडिया पोर्टल्स जो हैं साइज में छोटे होते हुए भी दे शो अ मेजर इम्पैक्ट ऑन ड्राइविंग द नेशनल कॉन्वर्सेशन ऑन वाइटल इश्यूज लाइक रेस, इमिग्रेशन, पॉलिसीज ऑन फूड, वाटर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, रेजिंग पब्लिक अवेयरनेस अप टू 65%। ये जो 40 की परवर्ती पीढ़ी है इससे मेरा अनुरोध है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़िए। हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बच्चों का प्लेटफॉर्म समझ करके बहुत समय तक उसको एक इंडलजेंट डिसरिगार्ड देते रहे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे जुड़ना पड़ेगा क्योंकि ये दिस इज़ व्हाट इज़ ड्राइविंग द नेशनल कॉन्वर्सेशन। प्रिंट मीडिया नहीं कर रहा है, टेलीविज़न नहीं कर रहा है। अगर आप ट्विटर पर जाइए, मैं दिन भर ट्विटर देखती हूँ तो 100 ट्वीट्स के बाद 2-3 ट्वीट्स ऐसी मिल जाती हैं जो आपको लिंक्स देती हैं जहाँ जेन्युइन स्टोरीज़ हैं और ये सब ऑनलाइन साइट्स हैं। तो मुझे लगता है कि हम में से जो लोग चाहते हैं कि सूचना संप्रेषण का संसार, लोकतांत्रिक संसार बेहतर हो, समृद्ध बने, उनको अब धीरे 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 ई लिटरेट बनना होगा, वेदर अंडर प्रेशर और वॉट एवर, क्योंकि अमेरिका में ये सिद्ध हो चुका है और मनुष्य स्वभाव यहाँ भी फ़र्क नहीं है कि 65% तक पब्लिक अवेयरनेस आप इससे रेज कर सकते हैं। तो वो ज़माने जबकि छोटे छोटे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस जाकर के झुग्गियों में रिसर्च करते थे, जानकारी देके कि क्या झुग्गियों का वोटिंग पैटर्न जानकारी से बढ़ता है, अब तो इतना भारी हथियार है हाथ में कि आप सोशल मीडिया से जुड़ करके
हर तरह के डेटा प्राप्त कर सकते हैं और उस डेटा को फेक न्यूज़ के साथ कंपेयर करके जान सकते हैं क्षण भर में कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज यहाँ पर हमारे सामने आता है और इसके बारे में बात करना लगभग निषिद्ध है मीडिया में, लेकिन चूंकि मैं अब मीडिया में नहीं हूँ और मेरे घर का राशन पानी मीडिया से नहीं आता है, इसलिए मैं कह सकती हूँ, और वो है सरोगेट ओनरशिप ऑफ द मीडिया। आज हमारे देश में लगभग 5 या 6 ऐसे अखबार हैं जिनके हाथ में सारी ताकत है और उनके जो एक्चुअल ओनर्स हैं उन्होंने मीडिया के सभी फॉर्म्स में अपना आधिपत्य अच्छी तरह से जमा लिया है। उनके इंटरेस्ट हैं जूट में, टेक्सटाइल में, क्रिकेट में, केमिकल्स में, कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट में, ऑटो में, शुगर में, दाल मिल्स में, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उनके इंटरेस्ट नहीं है। ये सारे जितने भी एम्पायर्स हैं ये अपने शेयर होल्डर्स के प्रति जवाबदेह हैं, वो हमारे पाठकों या दर्शकों के प्रति जवाबदेह नहीं है। प्रोफेशनल एडिटर्स कम होते जा रहे हैं और जो एडिटर्स हैं उनका जो एडिटोरियल का इंटरेक्शन जब होता है बोर्ड रूम से तो सिर्फ एडिटर जाता है, कई बार एडिटर भी नहीं जाता, वो मैनेजर जाता है जो एडिटर को डांटता है और एडिटर से काम करवाता है। उसको बोर्ड रूम डिसाइड करके बताता है कि न्यूज़ में फला इसमें ये कुछ घराने हैं जिनकी खबरें बुरी खबरें नहीं छपेंगी, कुछ खबरें हैं जो बहुत अच्छी महिमा मंडित करके छपेंगी, कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो नहीं दिए जाएंगे या नहीं छपेंगे, कुछ हैं जो अधिक प्रमुखता पाएंगे, कुछ तरह की न्यूज़ है जिसको कि फ़र्क तरह से टेलर किया जाना चाहिए। ये सारी जो डायरेक्शंस हैं ये अब सारे मेजर चैनल्स में भी, और इसका असर दिख रहा है, मैंने हाथ कंगन को आरसी किया, आप देखते हैं रोज़ शाम को आप देखते हैं जो सारी बहसें होती हैं वो किस तरह से टेलर्ड बहसें हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी और एक ये बहुत घृणित नहीं कहना चाहिए लेकिन एक अजीब सी हिंदुस्तानी सच्चाई हमारे सामने आती है ऑफ डायनेस्टीज़ इन द मीडिया। मीडिया ओनरशिप पॉलिटिक्स में हम डायनेस्टी को बहुत कोस चुके हैं लेकिन मीडिया में भी डायनेस्टीज़ हैं, बॉलीवुड में भी डायनेस्टीज़ हैं, क्षेत्रीय मीडिया में तो गजब डायनेस्टीज़ हैं। और ये डायनेस्टीज़ जो हैं पहले से, ये रामोजी राव के समय तक तो ये हॉरिजॉन्टल्स में डील करती थी, मैंने कंटेंट क्रिएशन के साइलोस थे कि ये इस घराने के पास कंटेंट क्रिएशन है इस क्षेत्र का, इस रीजन का, ये घराना इस रीजन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है, ये घराना इस रीजन के लिए कंटेंट क्रिएट कर रहा है। अब ये जो मेगा कॉरपोरेशंस हैं इन्होंने इसके वर्टिकल्स भी खरीद लिए हैं, मैंने डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म्स भी खरीद लिए हैं। तो आप हाथ मलते रह जाइए, न्यूज़ वही जो कॉरपोरेशन दिखवाए। तो इसलिए ये जो इसके लिए एक बहुत अच्छी रिपोर्ट 2014 में TRAI ने जारी की थी जिसमें उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड किया था कि मल्टीमीडिया ओनरशिप ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में एक प्रकार का मीडिया होना चाहिए और ये जो फेसलेस सरोगेट मीडिया है कि आप एक शेल कंपनी क्रिएट करते हैं और एक नेटवर्क बनाते हैं ट्रस्ट्स का जिसके थ्रू आप अखबार को पैसा लगाते हैं लेकिन उसका जो मूल चेहरा है उसको भी बनाए रखते हैं, ये प्रथा जो है ये उसमें बहुत क्लियरली अंकित है और उन्होंने कहा कि ये ख़त्म होना चाहिए। मेरे ख्याल में बतौर सिटीजन्स हमको भी इस चीज़ पर बल देना चाहिए कि TRAI की रिपोर्ट अविलंब निकाली जाए तलघर से, उसको झाड़ पहुँच के समसामयिक बना करके उस पर पार्लियामेंट के सदन विचार करें और मल्टीमीडिया ओनरशिप जिसके इतने खतरे हैं इसके बारे में दोबारा से सोचा और नियम बनाए जाएं। तीसरी चीज़ है, ये भी एक एलिफेंट इन द रूम है, वो ये है कि हमारे यहाँ कुछ बायसेस खुद न्यूज़ रूम में हैं। पहला बायस तो लिंग्विस्टिक बायस है कि इंग्लिश एक तरफ और बाकी भारतीय भाषाएं दूसरी तरफ, जबकि 90% रीडरशिप और व्यूअरशिप भारतीय भाषाओं के लोगों की है। दूसरी है कास्ट की, लगभग सारी के सारे न्यूज़ रूम्स जो हैं वो अपर कास्ट नहीं तो OBC, बहुत करके OBC, लेकिन दलित और महिलाएं और आदिवासी,
न्यूज़ का जो सिस्टम है उसके अंदर नहीं है, और हैं भी तो इंटीग्रेटेड नहीं हैं। इंटीग्रेटेड अगर हैं भी तो वो ऐसी जगहों में नहीं है कि उनके हाथ में चेंज की एजेंसी है कि वो दबाव डाल के कह सकें कि नहीं ये खबर ऐसी नहीं है, ये ऐसी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, वो बराए नाम उठाए तो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक कहावत है, जिसके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो आप जब तक जिनके पैर में बिवाई नहीं फटी है उनको न्यूज़ रूम में इंटीग्रेट नहीं करेंगे, तब तक आपको बहुत सारे विषय छूटते रहेंगे। और महिलाओं का इंक्लूजन बहुत ज़रूरी है। आप देख ही रहे हैं कि महिलाएं हैं बहुत बड़ी तादाद में मीडिया में, लेकिन आप एनालाइज़ कीजिए तो वो किसी भी ऐसी पोजीशन में नहीं है। कोई महिला एडिटर नहीं है इस वक्त, गौरी लंकेश आखिरी थी हमारी जाति की जो मार दी गई, लेकिन कोई भी ऐसी बड़ी महिला एडिटर नहीं है जो महिला की दृष्टि से भी न्यूज़ को देखे। ये ठीक है कि ऑब्जेक्टिवली न्यूज़ को हर एडिटर देखता है, लेकिन एक वेंटेज पॉइंट होता है जो दूसरा हिस्सा होता है, उसको भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। और इसलिए कंक्लूजन पर हम आते हैं, और कंक्लूजन ये है कि इस कहानी में कोई हीरो या विलेन नहीं है। एक समय है जो सारी धरती को बदल रहा है, एकाधिक मायनों में धरती की सतह बदल रही है, धरती के भीतर का भूगोल बदल रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, संप्रेषण के तरीके बदल रहे हैं, संप्रेषण की किस तरह से खबरें संचित होती हैं और किस तरह से उनका एडिटिंग होती है ये बदल रहा है, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स बहुत बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। तो अचरज नहीं कि अगर हम लोगों ने मानवीय दखल कायम न रखा तो ये पूरा का पूरा तंत्र रोबोटिक्स के, और जैसे कि रूर में जेरुस्लाव हासिक ने लिखा था कि जिस हद तक यांत्रिक पुतले निर्मम हो सकते हैं और जितने डिसिप्लिन्ड वो हो सकते हैं, हम मनुष्य नहीं हो सकते हैं। हम ओवरली सेंसिटिव हैं, हमारे पास इमोशंस हैं, हमारे पास कॉन्टेक्स्ट्स हैं, हमारे पास अपने अपने पैरों की बिवाइयाँ हैं। तो इसलिए ये चैलेंज जो है ये सिर्फ मीडिया का चैलेंज नहीं है, ये सिर्फ हमारा चैलेंज नहीं है, ये एक डेमोक्रेटिक सोशल इंस्टीट्यूशंस और इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूशंस के क्षरण और बदलाव का ज़माना है जिसमें हम सब भागीदार हैं, बतौर कार्यकर्ता, बतौर उपभोक्ता, बतौर दर्शक, बतौर पेरेंट्स, बतौर बच्चे। तो इसलिए हमको सबसे पहली चीज़ तो करनी होगी ट्रस्ट की बहाली। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि बाज़ार में साख चलती है, रुपया नहीं। सरकार का रसूख अपराधी को डराता है, सरकार का दंड विधान नहीं। तो इसलिए तो पहली चीज़ ज़रूरी है कि सिटीजन्स का ट्रस्ट हमारी लोकतंत्र में, और वो भी मल्टीकल्चरल मल्टीलिंगुअल लोकतंत्र में कायम हो। अगर हम सब एक ही भाषा बोलने वाले, एक ही से काम करने वाले, एक ही प्रकार की मानसिकता और प्राथमिकता वाले लोग होंगे तो रूर के पुतलों में और हम में क्या अंतर रह जाएगा? वो शायद हमसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड होंगे। एक्सपीरियंस दूसरा पॉइंट जिस पर मैं ख़त्म करना चाहती हूँ वो ये कि बार बार मीडिया से कहा जाता है कि लॉयल बनो, लॉयल बनो, राष्ट्रप्रेमी बनो, राष्ट्रवादी बनो। लॉयल्टी अनुभव आपको सिखाता है, विदग्ध होने के बाद अनुभव सिखाता है कि लॉयल्टी एक इमोशन है। हमको इंटेग्रिटी की आवश्यकता है, हमको निष्पक्षता, निर्भीकता और तटस्थता की ज़रूरत है, एक धंधई निष्ठा की ज़रूरत है। निष्ठा मने आप अविचल रह करके अपना काम करें, और योगः कर्मसु कौशलम्, मीडिया को मीडिया की तरह काम करने दें, उसको अभिव्यक्ति की आज़ादी का उपभोग करने दें, तभी आप भी सुरक्षित रहेंगे। हमारे यहाँ बूढ़े लोग जब हम लोगों से बचपन में पोस्ट कार्ड लिखवाते थे तो उसमें लिखा जाता था अत्र कुशलम च तत्रास्तु सर्वोस्ति सर्वोपमा योगी एट्सेट्रा एट्सेट्रा, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अगला होता था अपने गाह को, अपनी देह को जतन करिए लो तबे हमारी पालना होली, टेक केयर ऑफ योर सेल्स देन यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ अस, एंड आई थिंक दैट इज़ द थॉट दैट आई वॉन्ट टू लीव यू ऑल विद। थैंक यू वेरी मच, यू बीन वेरी पेशेंट, वेरी काइंड।